एक बार वाईफाई श्रीराम में फिर से आपका स्वागत है। तो आज एक बहुत बड़ी सफलता के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज दोस्तों मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज मैं एक ऐसे आंकड़े के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि वाईफाई श्रीराम आज एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर चुका है। बहुत कम समय में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर का जो एक आंकड़ा होता है उसको हमारा वाईफाई श्रीराम छू चुका है। एक बहुत बड़ी बात है, एक गौरव की बात है, एक ऐतिहासिक पल के साथ मैं आपके साथ में हूँ। हमारा चैनल 1 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था और आज बहुत ही कम समय में आप देख पा रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छू गया है। तो पूरे सीकर शहर के लिए नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव की बात है कि बहुत कम समय में हमारे कोचिंग के जो वीडियोस थे उनको सराहा गया, लोगों को फायदा हुआ और बहुत कम समय में आंकड़ा 1 लाख से भी अधिक पहुंचा दिया। मित्रों बात समझ में आ रहा होगा, तो आज कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कुछ मोटिवेशन की बातें भी मैं करूँगा। आज बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत होकर के सुने कि मैं कहना चाहूँगा मित्रों विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी तो हमने ये सोचा था कि सिर्फ हमें समाज की सेवा करनी है और समाज के सेवा के पर्पज से हमने जब वीडियोस को निस्वार्थ भाव से यूट्यूब पर डालना शुरू किया तो एक बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आया और आज 1 लाख से अधिक का आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया। विश्वास आपको करना होगा। एक बार नदी ने कुएं से पूछा कि भटकाव और ठहराव में, नदी ने एक बार कुएं से पूछा कि नदी और कुएं में क्या फर्क होता है, तब कुएं ने जवाब दिया मित्रों कि भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। कहने का मतलब है ठहरना बहुत जरूरी है, हम एक जगह टिके रहे, ठहरते रहे और लोगों के लिए समाज के लिए कुछ करते रहे जिसका परिणाम हमारे सामने है, यही आपकी कामयाबी के साथ होना चाहिए। आपको विश्वास करना होगा, एक चैनल का चयन करना होगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वास वो दर्पण है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। आपको मानना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, फिर देखना आप धीरे धीरे सारे कंसेप्ट यहां वाईफाई श्रीराम से भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते निभाने, बने रहना बहुत जरूरी है। आपने एक वीडियो देख लिया उसके बाद दूसरा वीडियो नहीं देखा, यहां पर ऐसे ऐसे कंटेंट हम डालने वाले हैं, चाहे करंट की बात हो, चाहे मैथ की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, पूरा कंप्लीट सिलेबस धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा। तो जितना स्टडी मटेरियल वाईफाई श्रीराम आपको प्रोवाइड करवा रहा है बस आप उसको देखते जाइए, देखते हैं कि आपकी सफलता कितना जल्दी आपका दरवाजा खटखटाती है। क्योंकि मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। तो मित्रों जुड़े रहना बहुत जरूरी है और मैं आपकी कामयाबी के लिए ये गुजारिश करूंगा कि बेहतर से खूब खूब से बढ़कर तलाश कर, आपके पास सब कुछ है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। मेरे को एक प्राचीन इतिहास की एक कहानी याद आ रही है, वो कहानी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक जमाना था जब इस सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी। कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो दिमाग ऐसा है ही नहीं, हम क्या इस कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जमाना था जब हर शख्स भगवान कहलाता था, शक्तियां हुआ करती थी। आपने देखा था उस युग की बात कर रहा हूं जब युगों की रचना ही नहीं हुई थी, त्रेता युग द्वापर युग उस समय थी जब शक्तियां हुआ करती थी। धीरे धीरे इन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इन शक्तियों को छुपाया जाएगा, वरना तो ये शक्तियां इस तरीके से दुष्प्रभावित होती रही तो विनाशकारी रूप ले सकती है। तो ब्रह्मा जी ने मित्रों क्या सोचा कि मैं इन तमाम शक्तियों को कहां पर छुपाऊं। सबसे पहले उन्होंने विचार किया कि मैं सारी शक्तियां जमीन के भीतर छुपा दूंगा। फिर उन्होंने मंथन किया, चिंतन किया, एकाग्रचित भाव से सोचना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि आने वाला मानव तकनीकी युग होगा, जमीन से खोदकर वो शक्तियां खोज ली जाएगी। फिर उन्होंने फिर से विचार किया मित्रों, उन्होंने सोचा कि मैं इन तमाम शक्तियों को आसमान के ऊपर छुपा दूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि आसमान से भी वो शक्तियां खोज ली जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इन शक्तियों को पानी के भीतर समुद्र की अंतरिम गहराई तक छुपा दूंगा। फिर उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि वहां से भी खोज ली जाएगी। फिर वो क्या सोचता है, उन्होंने सोचा कि वो तमाम शक्तियां इस मूर्ख मनुष्य के भीतर छुपा दूंगा और ये चारों तरफ इन शक्तियों को ढूंढता रह जाएगा।
कहने का मतलब है अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि वो तमाम शक्तियाँ आपके भीतर है, बस पहचानने की जरूरत है। और जो आदमी अपने आप पर विश्वास करके अपने भीतर छुपी हुई उन तमाम शक्तियों को पहचान लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो मैं कहना चाहूँगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वाईफाई से राम से पढ़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर से खूब खूब से बढ़ कर तलाश कर, दो चार मोटिवेशन लाइनों से मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा कि बेहतर से खूब खूब से बढ़ कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर। बेहतर से खूब खूब से बढ़ कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर। पत्थरों से आईने तो सदा ही टूटते रहे हैं, पत्थरों से आईने तो सदा ही टूटते रहे हैं, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। और आपको भी इस दुनिया में कुछ ऐसा ही काम करना है। जिंदगी कदम उनके चूमा करती है, बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि जिंदगी कदम उनके चूमा करती है। मौत की आंखों से आंखें जो मिलाते हैं उनके पीछे चला करती है ये दुनिया, जो दूसरों की जान पे खेला करते हैं। और साथ में बताना चाहूंगा कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, जिंदगी कांटों भरा सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं मगर बना दे जो अपने रास्ते वही इंसान है, बना दे जो अपने रास्ते वही इंसान है। जिंदगी बहुत बड़ी है मित्रों, इसको पहचानो, इसी जिंदगी में हमें सब कुछ करना है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े चोट हथौड़े की तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। मित्रों बहुत सारे लोग होते हैं टूट जाते हैं, जब एक असफलता हाथ लगती है तो ठोकर लगती है तो सोचते हैं कि हमारे भाग्य में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किलें मन के इरादों को आजमाती है, आपकी परीक्षाएं ली जा रही है, कि मुश्किलें मन के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। अरे गिरकर हिम्मत न हार ए मुसाफिर, ठोकरे मनुष्य को चलना सिखाती है, गलतियां मनुष्य को चलना सिखाती है। तो जो भी ठोकर आपको लगी है वो आपको सफल होने की एक परिभाषा है, वो एक स्टेप है, इसलिए ठोकरों से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे हमें बहुत कुछ करना है। और डूबना पड़ेगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, चाहे बैंक की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, उसके अंदर डूबना होगा, महसूस करना होगा कि मैं इसी जॉब के लिए पैदा हुआ हूं और मुझे इस जॉब को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। मित्रों कि बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उतनी तो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। किसी ने कहा है कि बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता। हमें है डूबना मंजूर दरिया में, बिना डूबे ही गहराई का कोई अंदाजा नहीं होता, बिना डूबे ही गहराई का कोई अंदाजा नहीं होता। और हमें डूबना पड़ेगा, इसलिए जो 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे वाईफाई श्रीराम के हुए हैं, और आगे हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जो भी स्टडियल मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए बस आप उसको पढ़ते जाइए, बहुत जल्द आपके जीवन में वो कामयाबी का सफर शुरू होने वाला है। और अंत में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा इस इन चार लाइनों के साथ कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे। आज तो हम तैयारी कर रहे हैं, लोग हम पर ताने भी कसते होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मित्रों, ये चार लाइनें याद रखना, कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे, माना इन उजियाली रातों के टिम टिम करते दीपक है हम, पर एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे, एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज सम होंगे। तो एक बार फिर से वाईफाई श्रीराम और यहाँ की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आप तो सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार, जुनून, उत्साह है और कामना के साथ अपने लक्ष्य के प्रति बस आगे बढ़ते जाइए। श्रीराम परिवार आपके साथ हमेशा साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम, धन्यवाद।